लगातार कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण घरों में रह रहे लोगों को रविवार की दोपहर के बाद निकली हल्की धूप से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, रविवार की दोपहर बाद निकली धूप में अपने परिवार और यार दोस्तों के साथ युवाओं ने रामगढ़ ताल स्थित नौका विहार पहुंचकर खूब आनंद उठाया। वहीं अपने मोबाइल से सेल्फी और फोटो शूट करते हुए इस यादगार पलों को कैद किया। साथ ही जेट्टी पर लगे मोटर बोट से रामगढ़ ताल में घूमकर लोगों ने मोटर बोट का भी आनंद उठाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घूमने निकले बच्चों और युवाओं ने कहा। इधर कहीं थोड़ा ढकेल था और लगी था टिकट पूछ के बैठा हुआ 12 से अधिक नहीं तो चल जल्दी बजे बैठ अभी आप 50 से क्या बात आगे चल आप आइए नीचे आइए क्या बोल रहे मेरा शिवानी मिश्रा और मैं नव्या मिश्रा।
आज हम लोग गोरखपुर की नौका विहार में आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे नौका हम लोग देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है और यहाँ पे हवाएं भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बोटिंग होती है और हम लोग सुने थे यहाँ पे सब लोग घूमने आता है दूर दूर से, तो सोचे हम लोग भी आए देखे। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत चेंजिंग भी हुई अच्छी अच्छी, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हमारे गोरखपुर का सबसे बड़ा फ्लैग यहाँ बना है तो उसे देखने के लिए और हमारे मन में उत्सुकता थी, इसलिए हम यहाँ पे आए। और यहाँ पे नज़ारे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसलिए हम लोग नौका विहार घूमने आए हैं। यहाँ बोटिंग भी किया आप लोगों ने? हाँ, बहुत अच्छा लगा बोटिंग करने पे। किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ आए हैं, दीदी भैया सब लोग हैं। आप लोगों ने सेल्फी भी क्लिक किया है? हाँ, बहुत सारी। किस लिए क्लिक किया आप लोगों ने सेल्फी? देखे जाएंगे औरों को दिखाएंगे, बोलेंगे हमारा गोरखपुर इतने सारे चेंजेस आ गए, इतने अच्छे अच्छे जगह है, प्लेसेस है, तो उनको बताने के लिए दिखाने के लिए। रवि शास्त्री, हम लोग नौका विहार आए हैं और यहाँ नौका विहार में बहुत बड़ा फ्लैग लगा, वही देखने के लिए आए हम लोग। और क्या कुछ किया यहाँ पे? हम लोग आए और यहाँ घूम करके बहुत अच्छा व्यवस्था महाराज जी ने कर दिए हैं। नौका विहार में बहुत सारा चेंजिंग हो गया है, मैं तो साल भर बाद यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं मुंबई या अन्य जगह की तरह महसूस हो रहा है हम लोगों को यहाँ पे। आर्यन गुप्ता, आज हम कितने नौका विहार आए हैं और एंजॉय करने के लिए आए हैं, हमको यहाँ बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या किया आपने? हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैग कितनी बड़ी है, वो बहुत सुंदर लग रही है, हम लोग को बहुत अच्छी लग रही है। वोटिंग भी किया आपने? यस। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पे। किसके साथ आए हैं? हम अपने पापा और मम्मी के साथ और भैया के साथ आए हैं। क्या करते हैं? हम मतलब पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? थर्ड में। तो क्या आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं? हम कहते आर्मी सोल्जर बनना चाहते हैं। मेरा नाम राशि पांडे है, आज हम लोग यहाँ नौका विहार में आए हैं और हम लोगों ने बहुत घूमा है और अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने। और हम लोग गए थे चिड़ियाघर, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स के लिए क्या क्या किया गया है और कैसे एनिमल्स को रखने के लिए क्या क्या लाया गया है, सब देखा, बहुत अच्छा लगा। अब जब एनिमल्स आएंगे तो और मज़ा आएगा। यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है? हाँ, देखा है, बहुत अच्छा लगा। उन लोगों की क्या जानते हैं? उन लोगों देख लाजवाब क्या चीज़ फ्लैग के बारे में पता है? अभी उतना नहीं पता क्योंकि अभी हम लोग आके देखे हैं, बस अभी उतना जानते नहीं। अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने। इसके अलावा और कुछ क्या किया आपने? और बस हम लोग बस घूम के आए हैं वहाँ पे। हम मैं अपने पापा के साथ आई हूँ और मेरे पापा की फ्रेंड है और मेरा भाई है और मेरे पापा की फ्रेंड के दो बच्चे हैं। तनिषा, पापा के साथ है नौका विहार। कुछ नहीं, बस फोटो क्लिक किए हैं यहाँ पे। हाँ, गोरखनाथ भी गए थे। यहाँ पे आपने क्या किया? बस बोटिंग। कैसा लगा? बहुत मजा आया। धूप निकला इसलिए आप लोग निकले? हाँ, नहीं पहले से प्लान था। कौन कौन आया है? फ्रेंड्स के साथ। शाश्वत मिश्रा, घूमने के लिए। हाँ, नौका विहार। किसके साथ आए हो? अपने चाचा के साथ। क्या क्या किया यहाँ आप? मामू के साथ घूमा, फिरा और बोट में अभी बैठ रहा हूँ। बोटिंग करेंगे आप? मुझे नहीं आती है। और क्या क्या देखा यहाँ? यहाँ पे मैंने वाटर देखा। फ्लैग भी लगा हुआ है यहाँ पे? हाँ देखा। हाँ, यस, फ्लैग देखा। उर्जित मिश्रा, गोरखपुर। नौका विहार। क्या करने आए हैं? मस्ती करने। किसके साथ मस्ती करने? मम्मा के साथ। क्या क्या किया यहाँ आपने? हंटर में बैठे थे। और क्या क्या किया? और मस्ती किया। बोटिंग किया। बोटिंग में अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। I am उर्जित मिश्रा।
लहरों से डर करने का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मेरा नाम तेजस कुमार गुप्ता है, मैं खलीलाबाद से हूँ। आज मैं नौका विहार आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, और यहाँ पे नाव वाव की सवारी करूँगा। और यहाँ पे अभी मैं अपनी मम्मा के साथ बैठ के पेटीज खा रहा था। अभी मेरे पापा गए हैं कुछ काम से, तो अभी जब मेरे पापा आएंगे तो मैं अभी बोट की सवारी करूँगा। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा फ्लैग भी है जो हमें बहुत ही प्राउड फील कराता है हमारी, क्योंकि वो हमारी कंट्री का फ्लैग है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कितना मज़ा आया यहाँ पे आके? मुझे बहुत मज़ा आया है, और यहाँ पे मैं घूमा भी हूँ थोड़ा बहुत, और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है, और मुझे चारों तरफ पानी दिख रहा है, और लोग जो बोट की राइडिंग कर रहे हैं वो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊंगा राइड करूंगा जब मेरे पापा आ जाएंगे। तो आज के लिए मैं बस इतना ही। हम लोग घूमने, बोलो कसके बोलो, पार्टी बोल दो, पार्टी घूमने जा रहे हैं। और कसके बोलो, घूमने जा रहे हैं। प्रियंका सागर भैया, हम लोग नौका विहार आए हैं घूमने के लिए, संडे एंजॉय करने आए हैं अपनी फैमिली के साथ, काफ़ी टाइम बाद फैमिली टाइम स्पेंड करने आए हैं। हाँ, काफ़ी टाइम बाद धूप निकली है, मौसम अच्छा है, तो मौसम को थोड़ा सा रोमांस। अभी यहाँ हमने घूमा है, बोटिंग कर रहे हैं, स्टीमिंग कर रहे हैं, और बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वॉकिंग किया है थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे अच्छा हमें लगा नेशनल फ्लैग जो इस मौसम के उसमें लगा है, नेशनल फ्लैग वो मुझे सबसे अच्छा लगा, अपना नेशनल फ्लैग। बलराम गुजर नाम, इधर ही गोरखपुर घूमने के लिए राजस्थान से आए हैं घूमने के लिए। नहीं, गजब से एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे अभी तो। क्या क्या किया हम लोगों ने? नहीं, अभी घूमा है, गोरखनाथ मंदिर देखा है पूरा, घूम के अब इधर आए हैं नौके विहार को देखने के लिए, ताल में घूम रहे हैं, एंजॉय करना है। आप लोग बोटिंग कर रहे हैं, बोटिंग के दौरान आप लोगों को सेफ्टी के लिए क्या किया गया? सेफ्टी के लिए खुद को भाई वहाँ पर आदेश दिए जाते हैं, समझाया जाता है, फिर ये दिया जाता है जैकेट वाटरप्रूफ, यानी कि आदमी वहाँ से अपने को सेफ्टी से निकाल सके, अगर कोई दुर्घटना हो तो बचा सके अपने आप को। हमारा नाम कंचन वर्मा है, आज हम लोग यहाँ नौका विहार आए हैं गोरखपुर में। हम लोग की यहाँ पे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में ड्यूटी लगी है आज, तो हम लोग की नाइट शिफ्ट है, तो दिन में हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ आके आप लोगों ने क्या किया? यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग जस्ट अभी आए हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ से निकलने में काफ़ी लेट हो गया था, तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ आए हैं नौका विहार में ही, तो अभी बोटिंग ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जी अभी तो वही कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अमर निषाद, उप सचिव, पहले की अपेक्षा ठीक रिस्पांस है आज, आज मौसम ठीक हुआ है इसलिए पर्यटक बढ़े हुए हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है आज। कई दिन ठंडी थी इसलिए से ठंडी में तो ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन आज ठंड से थोड़ा निकले हैं बाहर लोग, ठंड कम हुई है तो बाहर निकले हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर्यटक बढ़े हैं। भीड़ तो काफ़ी संख्या में आ रही है, लेकिन बोटिंग के लिए अनुमानित है कि अभी जेटी पे समय नहीं तो 1500 रिटर्न आए, राउंड फीवर में आ चुके होंगे, जाते आते रहते हैं। कितनी बोटें हैं और क्या लाए हैं? चार बोट हैं, अभी हम लोग एक नई बोट लाए हैं जो फैमिली बोट है, स्पेशल तौर पे फैमिली के लिए है, और उसमें जो है ऑटोमेटिक इंजन लगा हुआ है, स्टेयरिंग वाला है, और वो काफ़ी सेफ्टी है, उसमें 10 से 12 लोग बैठते हैं, और पर्यटकों को ज़्यादा लुभा रहा है, वही उसी का टिकट ज़्यादा कट रहा है। बाकी बोटें हैं जो पहले से आई हुई हैं, कुछ हेमा की बोटें हैं, कुछ होंडा इंजन की बोटें हैं, वो जो ऑलरेडी चल रही थी वो अभी चल रही हैं। आप लोग कुछ सेफ्टी किट वगैरह? सेफ्टी के लिए देखिए पूरा लाइफ जैकेट, बिना लाइफ जैकेट किसी ने भेजा जाता है, साथ में गोताखोर भी है, हमारा जो ऑपरेटर है वो भी गोताखोर ही है, और किसी भी के लिए सबके लिए कोई भी कई अधिकारी आते हैं उनके लिए भी लाइफ जैकेट की व्यवस्था है, चाहे आम आदमी हो चाहे अधिकारी हो, सबको बिना लाइफ जैकेट नहीं भेजा जाता है।